चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्तम नृसिंहमहं भजे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए ना से विघ्न अनेक मंगल आदि विचारी रह वस्तु ने और अनूप श्री हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुगर के हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गाय भवसागर से तरन को नाहिन को रे उपाय श्री गुरुजु भले विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया भक्त माल के तब पद रज मम आस तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरवह श्री भगवान बार बार वर मांग्यो हरस देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग श्री सीताराम नाम महाराज की श्री राधा श्याम सुंदर जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की परम पूज्य श्री बाबा सरकार की श्री गुरुदेव भगवान की सर्व संत वैष्णव भगवान की श्री राधा श्याम सुंदर पाठोत्सव महोत्सव की कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला श्री हनुमंत लाल की अकारण करुणा वरुणाले श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती अनुकंपा से पूज्य बाबा के श्री चरण सन्निधान में बैठकर
भगवत भागवत यशगान श्रवण कथन एवं मनन करने का हम सबों को दिव्याति दिव्य अवसर प्राप्त हुआ। प्रायः ऐसे अवसर के लिए देवता गण भी तरसते हैं और उनमें भी हम भारतवासी तो और ज़्यादा भाग्यशाली हैं, जहाँ पर अधिकाधिक लीलाएं ठाकुर जी ने किया है। राम कथा के तई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, केवल प्यारी नहीं अति प्यारी। एक बार श्री पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, हे भोलेनाथ, हमें ठाकुर जी का दिव्य चरित्र सुनाइए। पूछें रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। दो गंगा है, एक कथा रूपी गंगा है और एक भगवत भागीरथी गंगा है। अगर लाभ लेना है भगवत भागीरथी गंगा का तो जा करके हम सबों को स्नान आदि करना होगा, लेकिन कथारूपी गंगा की महिमा इतनी है कि इस गंगा को जब चाहें जहाँ चाहें जैसे चाहें आप प्रकट कर सकते हैं। 5 मंजिल ऊपर मकान में भी रहते हैं वहाँ भी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन भागीरथी गंगा में तो जाके स्नान कीजिएगा तब फल मिलेगा। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, देवी तुमने मन की बात कही, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती, आपने तो आज मेरे ऊपर कृपा कर दिया है, उपकार कर दिया। क्या उपकार किया? बोले पूछें रघुपति कथा प्रसंग। आपने श्री रामचरित्र के संबंध में जो जिज्ञासा की, ये पूछ करके मेरे ऊपर उपकार कर दिया आपने। पूछें रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इतनी महिमा है महाराज कथा की। के रस स्थाप्यति इति निगदिता कथा, जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति, चाहे वो सख्य हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो, ऐश्वर्य हो, रस की स्थापना करे वही कथा है, अब बाकी सब व्यथा है। जो हमें भगवान के सन्मुख खड़ा कर दे, सन्निकटता लाए, वही कथा है। कल के सायंकालीन बैठक में आप सबों ने सुना, श्री रघुनंदन सरकार मिथिलापुरी के गली गली में, आओ इन गलियन में दो सुख धाम, सखियां बुला रही हैं और ठाकुर जी शिकार करने निकले हैं, भक्तों के मन का शिकार कर रहे हैं, हृदय का शिकार कर रहे हैं, सबको अपने रूप का दर्शन करा करके सबको चकोर बना रहे हैं। मिथिलानियां कहती हैं घबराइए नहीं, जब तक आप इतने गुमान में हैं तभी तक, जब तक कि आप हमारी श्री किशोरी जी का दर्शन नहीं किए हैं, जिस दिन हमारी श्री किशोरी जी का दर्शन हो जाएगा तब हम पूछेंगे कि आप चंद्रमा रामचंद्र हैं कि राम चकोर हैं, तब आप चंद्रमा हैं या चकोर हैं। कल आप सबों ने सुना, मिथिलानियों ने पुष्प फेंक फेंक करके इनके ऊपर अपनी ओर देखने के लिए मानो निमंत्रण दे रही हूँ। फूल फेंकने का भाव सुमन, फूल का एक नाम है सुमन, निर्मल मन जन सो मोहि भाव, मानो सुमन नहीं ये अपना मन इनके चरणों में अर्पण कर रही हैं। पूज्य महाराज जी कहते कि सुमन फेंक करके मानो चुनौती दे रही हैं कि आज तो आप जीत गए अपने रूप को दिखा करके,
कल आइए, पुष्प फेंक करके मानो इशारा कर रही हूँ कि कल आइए, कल पुष्प वाटिका में हम खबर लेंगे आपका, कल आइए पुष्प वाटिका में। ठाकुर जी ने मन ही मन इस चुनौती को स्वीकार किए, बोले ठीक है कल आते हैं। रात्रि में विश्राम किया ठाकुर जी ने, और प्रातः काल चापत चरण लखन उर लाए, सभे प्रेम परम सच पाए, पुनि पुनि प्रभु कही सोवौ ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। बार बार गुरुदेव के कहने पर रघुनंदन पौढ़े हैं, विश्राम किए हैं, उठे प्रातःकालीन ब्रह्म वेला में। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उठे लखन, सबसे पहले कौन विश्राम किया? श्री विश्वामित्र जी, उसके बाद श्री रामभद्र, फिर रामभद्र की चरणों की सेवा करके फिर तब लखन लाल जी विश्राम किए, सोए नहीं। सोए तो श्री विश्वामित्र जी एवं श्री रामभद्र, लखन लाल जी सोए नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते सोता है वो जगता है, लेकिन लखन लाल जी उठे हैं। सोने का क्रम विश्वामित्र जी, राम जी, तब लखन लाल जी, और उठने का क्रम बिल्कुल विपरीत, सबसे पहले श्री लखन लाल जी। उठे लखन निसी विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। अरुण शिखा किसका है? बोले मुर्गे का। अरुण शिखा धुनि कान, गुरते पहले जगतपति जागे राम सुजान। लखनलाल जी उठे, फिर रामभद्र उठे, नित्य कर्म आदि करके उपस्थित हुए, गुरुदेव भी जग चुके हैं। सकल सोच करी जाई नहाई, नित्य निवाहि मुनि सिर नाय। गुरुदेव के चरणों में खड़े हो गए दोनों भैया, आकर के उपस्थित हो गए। आज्ञा गुरुदेव, और गुरु जी तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं कि राम जी को चुनौती मिला है, न्योता मिला है पुष्प वाटिका में आने का। तो तुलसीदास जी महाराज यहां संकेत करते हैं, समय जाने, मानो गुरु जी घड़ी देख रहे हो कि अब समय हो गया है, अगर अब भेजेंगे तब जाके जानकी जी से रघुनंदन का देखा देखी होगा, पहले भेजते तब भी नहीं होता, और जानकी जी वाटिका में आकर के चली जाती तब रघुनंदन पहुंचते तभी नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं समय जान, मानो गुरु जी समय जान करके कि अब ये जाएंगे वाटिका में तो इधर से ये पहुंचेंगे और कुछ देर बाद ही श्री जानकी जी पहुंचेंगी। समय जान गुरु आयस उपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया चले हैं प्रसून लेने के लिए, पुष्प लेने के लिए, और चलते चलते पहुंचे कौन से वाटिका में? बोले नृप विदेह की वाटिका। गुरुदेव आज्ञा दे रहे हैं और कह भी दिया है कि किस वाटिका में जाना है, कोई ऐसा थोड़ी है कि जनकपुर में एक ही फुलबारी है, एक ही बगीचा है। आज हम सब भी इस वाटिका में ही बैठे हैं, ये भी वाटिका, ये भी विदेह राज की ही वाटिका है महाराज, भाव स्वरूप हमारे श्री राधा बाबा की ये वाटिका है, जिसमें एक दिन दो दिन नहीं नित्य हमारे श्री राधा श्याम सुंदर विचरण करते हैं इस वाटिका में। जिसके पास दृष्टि है उसको दृष्टिगोचर भी होते हैं। नृप विदेही की वाटिका भैया युगल पधार, पूजन हित ले आवहु तुलसी सुमन उतार। फिर रघुनंदन जाइए, गुरु आयसु सिर धरि चले, मात पिता गुरु प्रभु के बानी विनय विचार करिए शुभ जाने। आज्ञा प्राप्त करके, गुरु जी की आज्ञा है पुष्प वाटिका जाना है,
गुरु आयसु श्री धरि चले रघुवर युगल किशोर, दोनों भैया चले हैं। पहुंची द्वार नृप बाग के पूछ रहे चित चोर। राम जी फूल ले, फूल भी लेना है तो पूछ रहे हैं। और हम ताला भी तोड़ना होता है तो पूछते नहीं है, हम ताला भी बिना पूछे तोड़ देते हैं। ठाकुर जी फूल भी तोड़ रहे हैं तो पूछ के तोड़ने वाले हैं। पहुंचे महाराज कहां, विदेह राज की वाटिका। को रक्षक एही बाग को। इस लीला में हमारे गुरुदेव सरकार माली बन करके आज भी वाटिका के दरवाजे पे खड़े रहते कि जब जब रघुनंदन आएंगे तब तब कुछ बात करने का अवसर मिलेगा, वो बोलेंगे सुनने का अवसर मिलेगा। को रक्षक ही बाग को अधिकारी मतिमान, हम चाहत कछु फूल दल अनुमति करहुं प्रदान। मालीगण आ गए, जो पहरेदार जो उस पुष्प वाटिका के थे सब आ गए। महाराज कहिए, हम माली मिथिलेश के, हम श्री चक्रवर्ती श्री जनक जी महाराज के हम मालीगण हैं। हम माली मिथिलेश के सेवक पहरेदार, सेवक भी हैं पहरेदार भी हैं, आज्ञा करिए क्या सेवा है। सेवा हित तत्पर सदा आयसु दे सरकार। आप आज्ञा कीजिए, आप मिथिला के मेहमान हैं और मेहमान को सेवा हम लें, नहीं सेवा करने के लिए ही तो हम सेवक हैं, आप आज्ञा करें। आप हैं पालक वाटिका के, हम बालक नेह सो नेक निहारें, लालसा एक यही मन में तन सो गुरुदेव के कारज सवारे। मालीगण कहते हैं आप आज्ञा करें और ठाकुर जी कहते हैं भाई हम आज्ञा कैसे करें। अगर आज्ञा ही करना होता तो सुंदर सदन में भी तो सेवक सेविकाएं आदि हैं, उनको आज्ञा करके मंगवा लेते फूल तुलसी, कुछ सेवकों की कमी थोड़ी है दरबार में। हम तो स्वयं ही गुरु की सेवा करेंगे, भक्ति के भाव को शक्ति मिले यदि आप हूं देश सहयोग संवारे। और हमारी इस गुरु भक्ति को शक्ति मिलेगी जब आप हमें गुरुदेव की आज्ञा पालन करने दीजिएगा। अथवा गुरुदेव को अगर पुष्प तुलसी किसी और के हाथों चाहिए तो और को आज्ञा करते, हम दोनों भाइयों को क्यों करते। लेकिन जब हम दोनों भाइयों को किए हैं तो पालन भी हम ही दोनों भाई करेंगे। पूजन है तो प्रसन्न चहे, हम आयस हो तो पुष्प उतारे। तब तक इतने में माली की पत्नी मलिनिया आ गई। अरे ये तो वही सरकार हैं जिनको आज मैंने स्वप्न में देखा है, ये तो वही हैं, लेकिन स्वप्न में केवल देखा, बात करने का अवसर नहीं मिला। अब जब आ गए हैं तो अब बिना बतियाए इन्हें जाने नहीं देंगी। कैसे बात करोगी, बोले कुछ पूछते हैं बात बढ़ाते हैं। जैसे कैसे बच्चा कोई दिख जाए किसी के घर में तो बुलाते हैं आओ आओ, जानते सब हैं लेकिन उस बच्चे से पूछते हैं नाम क्या है, नाम बताता है, पिता का नाम क्या है, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है घर में, पूछते हैं हम लोग। वैसे ही मालीगण महाराज अपने बातों में उलझा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले इनसे बात करने का। ए हो पथिकवर कहाँ तेरो शुभ घर, आपका घर कहाँ है, कहु निज पिताजी के नाम धनु धरिया। आए हैं फूल लेने तो धनुष लेकर के क्यों आए, कौन हैं आप।
सुकृत के पुंज सब नगर के नारी नर। जब से आप आए पूरी मिथिला में दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है, केवल आप ही की चर्चा है। जहां भैले जन्म तोहार धनुधरिया, कहां हुआ है आपका जन्म, कौन है आप, किनके आप पुत्र हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है। सरकार कह रहे हैं पश्चिम के देश एक अवध नगरिया, हम अयोध्या के हैं, श्री दशरथ मही पाल है मलिनिया, श्री चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज हमारे पिता हैं और उन्हीं के दोनों हम पुत्र हैं। तिनकर सुत हम बंधु दो बारे बारे, हम दोनों ही उनके लाल जी हैं। मेरा नाम राम है और इनका नाम लखन है। राम लखन हमरो नाम है मलिनिया, राम लखन हम दोनों भाइयों का नाम है। अच्छा, तब तक एक मालिक बोल पड़े, आपको लगता है कि आपसे फूल टूटेगा। अब महाराज लखन लाल जी हैं तो शेषावतार, सांप काटे ना काटे लेकिन फुफकारता जरूर है। लखन लाल जी को ये सहन नहीं हो रहा था इनकी ऐसी कटाक्ष वाणी कि हमारे राम जी ताड़का मारी सुबाहु को मार सकते हैं और ये फूल नहीं तोड़ सकते हैं। प्रबल असुर मारी गौतम की नारी तारी, और यहां किस लिए आए, बोले देखन धनुष मख आयो है मलिनिया। यहां आए हैं हम दोनों भैया गुरुदेव की आज्ञा से धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। अच्छा, तब तक एक मलिनिया बोल पड़ी, वो सब तो ठीक है, गुरु जी के साथ आए सब ठीक है, लेकिन हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, केहन तोहरे माई बाप, आपके माता पिता कैसे हैं जो बाबा जी के साथ भेज दिए हृदय के कठोर, बाबा जी के साथ भेज दिया अयोध्या से, कहां मिथिलापुरी कहां अयोध्या। दो चार दस सैनिक सेवक आदि साथ में भेज देते, थोड़ी बहुत व्यवस्था के साथ भेज देते, चल दिए। आपके तो माता पिता बड़े कठोर हैं, और वो तो कठोर हैं सो हैं, ये गुरु बाबा कितने कठोर हैं, अपने भी इधर उधर भटक रहे हैं और अपने चेलाओं को भी लेकर के इधर से उधर भटक रहे हैं। लेकिन हम भाग्यशाली हैं, अगर गुरुजी यहाँ नहीं आए होते तो आप भी नहीं आए होते। मुनि संग वन में पठाए धनु धरिया। अच्छा, यहाँ आए हैं तो कहाँ ठहरे हैं, क्योंकि जितने राजा महाराजा आए हैं सब तो नगर के बाहर ठहरे हैं, आप कहाँ ठहरे हैं। रघुनंदन सरकार कहते हैं धवल धाम मणि पुरट पट सुगठित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन। श्री जानकी जी का अपना जो निज महल है उसमें श्री रघुनंदन जी हैं, शोभा किम कही जात। और वास्तव में भी रघुनंदन सरकार श्री किशोरी जी के हृदय रूपी राजमहल और उसके हृदय रूपी राज सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। ये मिथिलापुरी में रहे तब, अयोध्या में रहे तब, ये तो श्री किशोरी जी के ही हृदय रूपी महल में विराजमान रहते हैं। रामभद्र कहते हैं हमरो गुरुजी बाणन बन के तपस्या, तपस्वी हैं। अच्छा, तपस्वी हैं तो भाई घर गृहस्थी छोड़ कर के और गृहस्थ बालक को लेकर के क्यों घूम रहे हैं। करेलन हरि के पूजन ध्यान है मलिनिया, अक्षत फल फूल पान सुपारी पुष्प तुलसी आदि से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि दो चार दस फूल तुलसी आदि लेते आ, तो अनुमति दे दीजिए। मालिन कहती हमको तो नहीं लगता, आप कह रहे हैं वो तो हमने देखा नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम नहीं मान रही हैं, मान रही हैं
क्या आपने ताड़का मारा, मारे चुबाहो मारा, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बोले फूलवो से कोमल लालन राउर अंगुरिया, आपकी जो उंगली है वो फूल से भी कोमल है। हमको तो लगता है फूल की जो पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी आपको कहीं चुभ न जाए, आप इतने कोमल हैं। और कह रहे हैं कि तोड़ेंगे कैसे, तोड़ी हो फूलवा कठोर धनुधरिया। हमको तो नहीं लगता कि आपसे टूट पाएगा। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोड़ी हम दई हो, राम जी बिनती सुनो। आप आज्ञा करें, जो आपको पुष्प जिधर आप इशारा कीजिएगा, जिस पुष्प की ओर इशारा कीजिएगा वही तोड़ करके हम आपको देंगे। कोमल चरण कमल बिनु पनही, सुने आप ही ने अभी अभी कहा कि आपके चरण बड़े चमत्कारी हैं, आपने श्री गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी का उद्धार किया है। तब बोले पंखुड़ी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। भाई बगीचा है तो कुछ कांटेदार भी फूल हैं, जैसे गुलाब आदि कांटे भी होते हैं उसमें, तो कहीं चुभ गया तो। ठाकुर जी कोमल तो इतने हैं कि मृदुनी कुसुमादपि, कठोर भी हैं तो इतने कठोर हैं कि वज्रादपि कठोराणि। कठोरता दिखाने के लिए तो इन्होंने तम मुष्टिवीर विनिघ्नंतम व्रत सारेर धोक्षज, लक्ष्मी जी को कठोरता दिखाने के लिए ठाकुर जी ने अपने हाथों से हिरण्याक्ष के कनपट्टे पर मारा था, कठोरता दिखाने के लिए। राम जी कहते हैं आप आज्ञा करें तोड़ेंगे तो पुष्प हम ही, फुलवा उतारी हम लई हो निज हाथन से, हम तो अपने हाथों से अपनी गुरु जी की सेवा करेंगे। मति जानो अति सुकुमार है मलिनी, आप हमें अत्यंत सुकुमार समझने की भूल ना करें। जैसे महीप महामिथिलेश है जो, तैसी ही श्रेष्ठ बनी फुलवारी, त्यो रक्षक दक्ष सबे कस ना ही कहो अस बैन बिचारी। आप सब बड़े शील शिष्टाचार से युक्त हैं, आप बस अनुमति दे दें। छोड़न जोग न पै इतनी रस रंग मणि गुरु सेवा हमारी, आप अगर पुष्प तुलसी अपने हाथों उतार के देंगे तो हमारी सेवा में कटौती हो जाएगी, हमें सेवा का पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। और गुरु की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है। फूल चुने श्रम लेस नहीं, हम ही निज हाथन लेब उतारी, आप केवल अनुमति दे तोड़ेंगे तो हम। अब मालीगण जिन जिन से बात हो रही है वो तो खुश हैं, अब जिन जिन मालियों से बात नहीं हुई है अब वो भी तैयारी में लगे हैं कि कुछ हम भी पूछें। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं प्रभु मुख कमल बिलोकत रहें, उस वाटिका में रहने वाले कोकिल को कीर चकोर कोयल मोर जितने हैं सब महाराज वाटिका को छोड़ करके अब रघुनंदन की ओर देख रहे हैं। पुष्प भी बेचारे हिल हिल करके मानो बुला रहे हो। यहाँ तक वर्णन है कि ऐसा लगा कि ये वाटिका के जो तोते जो परिपक्व फल को जो अपने ठोर से, ऐसा लगा कि जैसे वो तोते उड़ करके भगवान के अधरोष्ट को बिंबा फल समझकर कहीं अपने ठोर से इनके ठोर पे ठोर न मार दे। ऐसे हमारे रघुनंदन कहते हैं सजनी, एक मालीगण कह रहे हैं कि सुनो जी इतनी जल्दी अनुमति नहीं देना,
क्यों? बोले सजनी अब ही अनुमति दे दे तो तुरंत फूल ले फिर जाइए, जितनी जल्दी अनुमति मिलेगी उतनी जल्दी ये जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके इन्हें बातों में उलझाया जाए। कैसे उलझाया जाए? बोले क्योंकि ये जो अभी हमें लाभ मिल रहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही, और यहाँ राम स्वयं खड़े हैं, ये अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ये जो इनकी मधुर बोली है वो सुनने को नहीं मिलेगी फिर। तो जितना हो सके यहाँ इनको अपनी बातों में फंसाया जाए। तब क्या किया जाए? बोले अतएव मेरे मन भाव यही कुछ बात बनाई के, कुछ बात बनाया जाए। नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ बनाया जाए, झूठा ही सही, झूठी सच्ची इधर उधर की कहानी कह करके इनको जितना ज़्यादा समय यहाँ फंसाया जाए, कुछ और समय, दो चार दस मिनट, घंटा दो घंटा, थोड़ा और समय मिल जाए हम सबों को इनके अमीय सुधारस का रस पान करने का। कछु और समय रसमय रसना, जो ये बोल रहे हैं, इनकी वाणी जब कानों के माध्यम से जब अंदर प्रवेश कर रही है, जो सुख मिल रहा है ये सुख तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों तक को नहीं मिला है महाराज। हजारों लाखों वर्षों से तपस्या में रत हैं और तनिक देर के लिए अगर आ गए तो ध्यान में आ गए, प्रकट तो किसी किसी के सामने हुए। श्रुति लोचन लाभ ललक ही नहीं है। तब तक एक मालिक कह रहे हैं, बात तो तुम ठीक कह रहे हो सजना, सच बात सबै तुम्हारी, इन्हें देख ही ओ सच पावत है। पता नहीं क्यों अब तक तो बहुतों को देखा लेकिन वो सुख नहीं मिला जो आज इनको देख करके हमें सुख मिल रहा। अंग अंग अनुपम भौरे महाराज, पुष्प से पुष्प के मकरंद का पान छोड़ करके भौरे चल पड़े जनक जी के बगिया के मुख्य दरवाजे पर, कहाँ श्री रघुनंदन के चरण कमल रूपी मकरंद का पान करने के लिए। बोले पुष्प में जो मकरंद है वो उतना उसमें मिठास नहीं है, उसमें वो रस नहीं है जो हमारे श्री रघुनंदन के चरण कमल में, चरण रूपी कमल में जो मकरंद है उसमें जो रस है। अंग अंग अनुपम लाभ अनिताबर बैन सुधाबर सावत है। अरे बिनु कृत्रिम साज सजावट हो, लोग क्रीम तेल पाउडर आदि लगा के सज संवर के आते हैं और यहाँ तो ये स्वयं ही महाराज सौंदर्य सिंधु हैं। और वैसे भी आज रघुनंदन का श्रृंगार स्वयं श्री लखनलाल जी ने किया है, ऐसा वर्णन है महाराज। चुन चुन करके ठाकुर जी के बालों में लखनलाल जी ने पुष्पों का श्रृंगार किया है और आज तिलक भी भाल तिलक, अब तक तिलक का वर्णन नहीं आया है लेकिन यहाँ आज तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय। आज तिलक भी बड़ा चोखी तिलक लगी हुई है इनकी, रघुनंदन सरकार की। इन्हें राख बसाए ही ये पुत्रिन में, ये हमरे ही आवत हैं। क्या करें, आँखों में बसाएं कि हृदय में बसाएं? आंखों के माध्यम से हृदय में बसाएं और बंदी बना लेते हैं। श्री रघुनंदन सरकार कहते हैं मालियों तुम सब हमें अपने बातों में फंसा रहे, लेन प्रसूनों को आए इते हम श्री गुरु पूजन के हित हाली। गुरुदेव ने कहा है कि जल्दी से पुष्प तुलसी लेकर के आओ और आप हो कि हमें बातों में फंसा रहे हो। हम भी समझ रहे हैं कि बात है नहीं लेकिन बात बना बना करके हमें फंसाया जा रहा है। बाग बिलो की भयो मन मोद, आपकी वाटिका वैसे बड़ी रमणीय है, मही रूह फुले सुगंध के साली, पैरस रंग मड़ी रखवारन पूछे बिना नहीं ले हूं सुचाली। हम तो अतिथि हैं, अतिथि होकर के आज्ञा मांग रहे हैं तब भी नहीं मिल रहा है,
क्या आपको मिथिलेश राज श्री जनक जी महाराज ने मना किया है कि कोई आए तो पुष्प तुलसी न देना? बोले नहीं नहीं सरकार, याते कहो तो उतारी हो फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माली, या तो कहिए तो हम ही उतारने दीजिए, नहीं तो कहिए फिर हम दूसरी वाटिका जाएं, कहीं और जाएं पुष्प तुलसी आदि लेने के लिए। हम तो बड़ा उम्मीद से आए थे कि अनुमति मिलेगी, पुष्प तुलसी आदि तोड़ करके गुरुदेव की सेवा में आएंगे। मालीगण कहते हैं नहीं प्रभु, चक्रवर्ती अवधेश के लालन हो महाराज ने ऐसी कहो, जो ऐसा महाराज ने नहीं कहा है, सेवक हैं जैसे श्री मिथिलेश के तैसे ही रावरो चेरो अहो जो, जैसे हम श्री मिथिलेश राज श्री जनक जी के सेवक हैं वैसे हम मालीगण आपके भी सेवक हैं। जो प्रभु फूल निजे कर तो रहो, यदि आप स्वयं अपनी हाथों से तोड़ेंगे तो फिर हम सेवक यहां किस लिए? असेवक सो जो करे सेवकाई, हम मुंह देखते रहें आपका और आप अपने हाथों तोड़ें, ये क्या शोभा देगा? और वो भी मिथिला में, अयोध्या में आप तोड़े तो अलग बात थी, ये मिथिला है जहां आप अतिथि बन करके आए हैं। और सेवक हम यहाँ सेवा करने के लिए जब हम स्वयं हैं तो आप क्यों तोड़ेंगे? बद्री प्रसून हो ते सुकुमार हो, कैसे के तोरण फूल कहो जो, और कह रहे हैं कि और आप अनुमति मांग रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं कि हम फूल तोड़ ले, तो हम आज्ञा कैसे दे सकते हैं? सेवक स्वामी को आज्ञा देते हुए किसी ने देखा है क्या? मालिक आज्ञा देता है सेवक को, और आप सेवक से कह रहे हैं कि हमें अनुमति दो, ऐसे कैसे तोड़ी हो कैसे? अब मान लिया कि हम अनुमति दे भी दें तो तोड़ी हो कैसे प्रसूनन को? इन कोमल हाथन टूटी है ना, टूटेगा ही नहीं। अब देखिए आपके कहने पे कि हम तोड़ेंगे फूल, फूली लता अठ खेल ही करे, देखिए वृक्ष भी मानो हंस रहे हो आप पे कि हम तो टूटने वाले हैं नहीं आपसे। यह फूली लता अठ खेल ही करे, गए पीत पिताम्बर छूटी है ना। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि मुख चंद्र की चांदनी जौ पे पड़ेगी तो कंजन को भाव फूटी है ना। हम तो कह रहे हैं कि जिसके ऊपर आपके चंद्रमा के कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जो रात में खिलते हैं, कहते हैं आपके मुख चंद्र को देख करके रात में खिलने वाले भी खिल गए हैं। जो सुबह सुबह खिलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ पुष्प जैसे रात रानी आदि, हर श्रृंगार आदि बहुत सारे पुष्प हैं जो रात में खिलते हैं, लेकिन आज दिन में ही चंद्र को देख लिए हैं श्री रामचंद्र, चंद्र को देख करके रात में खिलने वाले दिन में खिल गए हैं। लखी अंग सरो रूह रंग सबे, और देखिए भौरे भी आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, अली कैसे कहें रस लूटी है ना। आप आए यहाँ फूल तुलसी लेने के लिए और ये भौरे आपके श्री अंग पर बैठ करके आपके अंग सरोरूह का रस लूट रहे हैं, इनको लूटने की इतनी छूट, और थोड़ी देर हम बतरा रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं तो आपको इतनी आपत्ति। चंद्र अनुहार के सुनिहार के मुखारविंद, आपके मुखारविंद को देख करके मिलवे को चोप में चकोर बहु धावेंगे। अच्छा आपका स्वभाव भी हमने सुना है क्या? बोले बिंबा फल के समान अधर ललाई देख, आए आए कूर कीर चोचन चलावेंगे। पहले आप अपनी रक्षा कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आकर के चंचू प्रहार कर दे, चोंच से प्रहार कर दे। सांवरो शरीर, ये देखिए मोर भी श्याम घन को देख करके, राम भद्र को देख करके, नील सरोरु नील मणि को देख करके मोर भी नाचने लगे हैं महाराज। कहते हैं कि सांवरो शरीर श्याम मेघ के समान देख, लता बीच मोर बहु शोर हूं मचावेंगे, कोमल करण से कमल फूल टूटी है ना, कर कमलन पे मिलिंद वृंद धावेंगे।
भगवान का कर भी कमल, मुख भी कमल, चरण भी कमल, कमल ही कमल महाराज, और स्वयं ये भी कमल, नील कमल, नील सरोवर मतलब नील कमल। रामभद्र कहते हैं कि भाई तुम मिथिला के माली रसिक बड़े। हम तो सोच रहे थे कि ये विदेह राज है, यहाँ रसिक तो मिलेंगे नहीं, ज्ञानी मिलेंगे, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, अज्ञानी का रसिक होना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि ज्ञानी होते ही लोग गुमानी हो जाते हैं, और आप सब तो यहाँ मिथिलावासी सब रसिक हैं। भाई तुम मिथिला के माली रसिक बड़े, बातें बनाई हमें बातन उलझाओ ना, हम भी समझ रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। अब देखो अब बहुत समय हुआ, आतुर प्रतीक्षा गुरुदेव मेरी करत हो, पुष्प हेतु अधिक विलंब अब लगाओ ना। कितना देर तक आप हमें यहाँ ठहराएंगे, अब तो अनुमति दे दीजिए। बोले कोमल हित कोमल, ऐसा ना समझिए कि हम कोमल हैं, कोमल हैं लेकिन किसके लिए, बोले कोमल के लिए, कोमल हित कोमल, कठोर हैं कठोरन हेतु, जो कठोर हैं उनके लिए कठोरता भी है हमारे पास। और नारायण आपने को ये में सकुचाओ ना, बड़े भाग पाई मन भाई सुखदाई यह सेवा जो हमारी गुरुदेव की छुड़ाओ ना। आप पुष्प लेने आए हैं, बोले हाँ जी, बोले आए हो राजन जू सानुज प्रसून लेन। कोई बड़ा काम होता तो दो चार आते तो समझ में आता, पुष्प तुलसी लेने के लिए वो भी दो दो लोग आए हैं। मालियों ने कहा एक अकेले आप आए होते तो क्या पुष्प तुलसी नहीं तोड़ पाते, जो साथ में एक और लेके चले आए। कोई बड़ा काम होता है तो हम क्या कहते, भैया चलो अकेले के बस की बात नहीं है, तुम भी साथ में चलो। तो पुष्प तोड़ने में भी आप लखनलाल जी को साथ में लेके आए, जिसको अपने बल पे इतना भरोसा नहीं कि लखनलाल को लाना पड़ा, उसको हम कैसे अनुमति दे दें। माली मिथिलेश के कहाए काज मोड़ता के करियो कबोना जग नाम ना हसई हो मैं। हम मिथिलेश के श्री जनक जी के माली हैं, हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे दुनिया वाले हमारे श्री जनक जी महाराज पर हंसे। तोड़न न दहियो फूल, तोड़ने न दहियो फूल, तोड़ने न दहियो फूल, फूल तोड़ दहियो में, आपको कभी नहीं तोड़ने देंगे। तोड़ करके भले हम दे दें आपको, लेकिन आपको तोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। राम जी कहते हैं भैया क्यों नहीं दोगे अनुमति, कोई बहुत बड़ी अनुमति थोड़ी मांग रहे हैं, धनुष तोड़ने की अनुमति थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो पुष्प तोड़ने की अनुमति मांग रहे हैं। दिन रात संजोवत फूलन को हित ताते भयो सुकुमार तिहारो। अब बड़े कोमल है प्रभु, पुष्प की पाखुड़ी हाथ धसे धनु भात कहो हम कैसे को धारे। अगर कांटे चुभ गए तो फिर आप ये जो धनुष बाण पकड़े हैं ये कैसे पकड़ पाएंगे। तब तक एक माली बोले कि नहीं नहीं प्रभु, हमारा तो विचार ये है, तोड़ेंगे आप जो एक अनार तो दंत निहार हजार गिरेंगे। आपका स्वभाव है सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब है। तो आप ये बताइए, आपका स्वभाव है जो सामने आ जाता है उसको आप छोड़ते नहीं है। तो आंगन के सुषमाल के सुख खंजन मीन कुरंग मिरे मरेंगे। अच्छा ये बताइए, पुष्प तोड़ने जाइएगा तो कौन से पुष्प को तोड़िएगा और कौन से पुष्प को छोड़िएगा। पुष्प भी बोलेंगे हमको पहले, हमको पहले, और नहीं तोड़िएगा तो सब बेचारे आपके चरणों में गिर पड़ेंगे कि क्या ऐसी भूल हो गई जो आपने हमें स्वीकार नहीं किया। तब तो आज लगता है पूरी पुष्प वाटिका के इस पुष्प वाटिका के सारे पुष्प ही आपको तोड़ने पड़ जाएंगे, क्योंकि पुष्प भी तो कहेंगे भाई हमें क्यों छोड़ रहे हैं, हमसे कोई अपराध हो गया, हे प्रभु आपका कर कमल हमारे ऊपर भी पड़ जाए,
हमको पहले। अच्छा, आपका स्वभाव है कौनो को तोड़ी हो और कौनो को छोड़ी हो, और छोड़ेंगे तो सबे सिर आए गिरेंगे, सब गिर पड़ेंगे महाराज, कि हमें ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया तो अब हम वृक्ष से लगे रह करके हमें क्या लाभ, अब तो बस इनके लिए इनके चरणों में गिर पड़े ताकि ये जब चले तो इनके पांव चुभ में कहीं कोई कांटा कंकड़ पत्थर आदि न चुभे। कैसे तू रवि रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तू रवि रउआ फूल, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, बिनती करिले मिले झूल धनुष धारी जी, कैसे तू रवि रउआ फूल। सुना है हमनी अछत रउआ फुलवा उतारब, होई है कर्जवा में सूल धनुष धारी जी, कैसे तू रवि रउआ फूल। सुने आपके चरण बड़े चमत्कारी हैं, आप ही ने कहा अभी कि इन चरण से, चरण के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हो गया, पत्थर की बनी हुई वो मूर्ति जीवंत तो हो गई। महाराज जब आपके पांव इतने चमत्कारी हैं तो हाथ तो और ज्यादा चमत्कारी होंगे महाराज, कहीं ये वृक्ष भी आपके छूने से और आकाश में चले गए तब तो ये पुष्प वाटिका केवल वाटिका बन के रह जाएगा, वृक्ष तो सब गायब हो जाएंगे, जिन जिन को छुइएगा सब सजीव होकर के भगवत धाम चले जाएंगे। बोले डर तो चरण से था ना, तब ये हाथ की बात कहाँ से आ गई। बोले चरण इतने कमाल के हैं तो हाथ तो और ज्यादा कमाल के होंगे ना। सुनीला की पत्थर से नारी बन जाले, पढ़ते चरनिया के धूल धनुष धारी जी, कैसे तू रवि रउआ फूल। लखनलाल जी बोले कि देखो भाई, आप सब अब अत्याचार कर रहे हो मेरे राम जी पे। तो मालीगण कहते कि सुनिए छोटका बबुआ जी, बैठिया राम से, आपसे हम सब कोई बात नहीं कर रही है, इसीलिए आप देखिए वहां तखत लगा हुआ है, चुपचाप बैठ जाइए, बात अभी बड़े से हो रही है, और जब बड़े से बात होती है तो फिर उसमें छोटा नहीं बोलता है। बैठिया राम से गलीचा बिछलवा, करिमती ढेर चुल बुल धनुष धारी जी, कैसे तू रवि रउआ फूल। इसमें क्या है, चरण धो लेते हैं, चरण से डर है कि अगर वाटिका में प्रवेश किए, सरोवर में जाएंगे तो वहां तो पत्थर के सीढ़ियां बनी हुई हैं, सारे सीढ़ियां गायब हो जाएंगी महाराज, सरोवर तक कैसे पहुंचिएगा। छोटी सी कथा है श्री रामचरितमानस जी की, महर्षि मतंग जी के आश्रम में श्री सबरी मैया रहा करती, बड़े ही असंग मतंग रस रंग भरे। किसी ने कह दिया मतंग जी के धाम जाने के बाद, किसी ने कह दिया कि सबरी जी इस सरोवर में स्नान किए हैं तो अब ये ऋषि मुनि कैसे स्नान करेंगे। क्या किया जाए, बोले सुना है राम भद्र आए हैं, राम जी के आने से शायद स्नान करने से या सरोवर में प्रवेश कर जाने मात्र से सरोवर स्वच्छ हो जाएगा, और स्वच्छ क्या होगा महाराज, जितने उसमें कीड़े मकोड़े थे सब और हिष्ट पुष्ट हो गए थे। मालीगण कहते हैं कि कहीं ये और ज्यादा कहीं मोटे तगड़े ना हो जाएं। सुना है चरण इतने चमत्कारी हैं तो हाथ और ज्यादा चमत्कारी होंगे। किमि तोड़ोगे फूल कठोर लला, इन फूलन से सुकुमार तुम्हें, सब ही कहावत राम के, सब ही राम के आस, राम कहीं जही आपनो तही भज तुलसीदास। खज मंजुल गायन गा गा के, एक माली कहते हैं खल
मंजुल गायन गा गा के शुभ स्वागत गीत सुनाते तुम्हें, चरणाम्बुज चुम्बन को लखिए सिर पादप पुंज झुकाते तुम्हें। हे रघुनंदन, आज हम मालीगण अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं जो आपके साक्षात दर्शन हुए, फल नाना प्रकार के भेटन को हिला पर्ण समीप बुलाते तुम्हें। जिस वृक्ष के नीचे रघुनंदन जाते वहाँ फलों को तोड़ना नहीं पड़ता महाराज, वो अपने आप को हिला करके और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ रहे हैं, फल फूल अपने आप झर रहे हैं महाराज जिस वृक्ष के नीचे से रघुनंदन जा रहे हैं। तुम तोड़ोगे क्या स्वमेव लखो, आप क्या तोड़ेंगे वो देखिए, फूल तो अभी से गिरना प्रारंभ कर दिए हैं आपके आगमन आपके स्वागत में। क्या कभी हमें भी अपना कहेंगे ए हो रघुलाल? राम जी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, ए हो रघुलाल कही के आपनो निहाल कीन हो, जाओ बलिहारी प्यारी नवल चिन्हारी पे। लीजिए आपको अनुमति है, लेकिन अभी अनुमति में अभी और भी शर्तें हैं। मालीगण अनुमति भी दे रहे हैं लेकिन शर्त पे। क्या अनुमति दे रहे हैं? बोले लीजे मन माने फूल रुचि के अनुकूल लाल, कोई रोक टोक नहीं है इस वाटिका में, आपको जो फल फूल तुलसी जो लेना है सब ले सकते हैं। लीजे मन माने फूल रुचि के अनुकूल लाल, गेंदा गुलाब कली गुथिका निवारी की, लेकिन आग्रह किंतु एक। राम जी बोले मन ही मन कि भाई ये कैसी आज्ञा, आज्ञा भी दे रहे हैं उसमें शर्त भी, शर्त क्या है? बोले आग्रह किंतु एक नाथ बिलग्न मानिए जो, रखिए मर्याद या विदेह फुलवारी की। अच्छा आप पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल पढ़े लिखे, विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी, पढ़े लिखे तो बताइए मुख्य दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है? श्री वैदेही वाटिका। तो मालीगण कहते हैं अच्छा ये बताइए आप जनाना है कि मर्दाना है? ये तो जनाना वाटिका है, और जनाना वाटिका में मर्दाना का क्या काम जी? सब समझ रहे हैं हम सब। बोले क्या समझ रहे हो आप सब? बोले चमन की शेर का था नाम, फूलों का बहाना था, असल में लक्ष्य तो मेरी जानकी का दर्शन पाना था। लक्ष्य तो हम आपका समझ रहे हैं, ये पुष्प तुलसी ये सब तो बहाना है, लक्ष्य आपका हमारी जानकी जी का दर्शन करने का है, नहीं तो हजारों वाटिका रमणीय है प्रभु इसी जनकपुर में। ऐसा तो नहीं कि एक ही वाटिका है, सभी वाटिका को छोड़ करके इसी बगिया में आना था, तो हम सब समझ रहे हैं। मालीगण कह रहे हैं कि हे रघुनंदन ठीक है, लेकिन यहाँ इस वाटिका की एक मर्यादा है। क्या है मर्यादा? बोले आग्रह किंतु एक नाथ बिलग्न मानिए जो, रखिए मर्याद या विदेह फुलवारी की। क्या है मर्यादा? बोले नारायण बाग में प्रवेश करवे के पूर्व, बाग में आप प्रवेश करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बार बोलिए जय जनक दुलारी की। आपको एक बार हमारी जानकी जी का जय जयकार करना पड़ेगा तभी जाके आपको अनुमति मिलेगी। ठाकुर जी बड़े संकोच में पड़ गए। माली मिथिलेश के हो जानी चतुराई तुम्हारी, हम हैं रघुवंशी वंश विरद टटोलेंगे। अरे हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी कोई ऐरे गहरे नथु खेरे थोड़ी, हम भी प्रतापी जिनका चक्र के समान संपूर्ण दिशाओं में एक छत्र राज्य, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के हम लाल हैं, सूर्य वंश के हम लाल हैं, जय जयकारी हम क्यों बोले? नीति को न छोड़े कोटि, विघ्न क्यों न आवे पास, याचक जन आवे तो अटूट कोष खोलेंगे।
कहत सौंदर्य मणि मन में विचारी देखो, रघुकुल की पावन मर्याद से न डोलेंगे। आपको जब इतनी मिथिला के मर्यादा की चिंता है तो हम क्या अपनी मर्यादा भूल जाएं? अवध की जो मर्यादा है, तुम सब हो चाकर, आप सब हो सेवक हो मिथिलेश जी की, श्री जनक जी महाराज के आप सब सेवक हैं, तो तुम सब हो चाकर समाश्रित श्री मिथिलेश जू के, तुम ही जय बोलो, हम कदापि नहीं बोलेंगे। तो मालीगण कह रहे हैं कि जब जय जयकार नहीं बोलिएगा तो खड़े रहिए, हम क्या कर सकते हैं इसमें। हमने तो आपको एक बढ़िया मौका दिया कि भाई इस जयकार कर दीजिएगा तो आपको अनुमति मिल जाएगी। तब तक एक माली बोले, अच्छा इतनी अकड़पना, वो भी मिथिलापुरी में। ए हो प्राण प्यारे प्रभु सुमन सुगंध वारे, मर्जी हमारी बिन, भले आपने ताड़का को मारा, मारे सुबाहो को मारा, सब ठीक है। आप भले आप धनुष बाण बार बार, लखनलाल जी धनुष पर हाथ फेर रहे हैं, धनुष पर हाथ फेर रहे मानो इशारा कर रहे हो कि अस्त्र शस्त्र सब लेकर के चले हैं, लाइसेंस भी है अपने पास। कहते हैं मालीगण, ए हो प्राण प्यारे प्रभु सुमन सुगंध वारे, मर्जी हमारी बिन आप कैसे तोड़ोगे, देखते हैं आप कैसे फूल तोड़ते हैं। धीरताई वीरताई नेकुना चलेगी यहां, सारी चतुराई आप एक संग बोरोगे। ताड़का सुबाहो वीर तारिवो न रामाधीर, मिथिलापुरी है यहां दीन हुए निहोरोगे। यहां तो निहोरा करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, यहां आपकी वीरता काम नहीं आएगी। सुनिए जौलो, चाहे पूरा दिन आपको क्यों ना खड़ा रहना पड़े, जौलो नहीं सुमन मंजरी, सुमन की तो दूर की बात है, तुलसी जी की मंजरी तक आपको नहीं मिलेगी। कब तक? बोले जौलो नहीं सुमन मंजरी हूं तोड़ पई हो नाथ, जौलो नहीं जनक लली की जय बोलोगे। जब तक आप जयकार नहीं बोलेंगे तब तक हम अनुमति देंगे ही नहीं। चलिए देखते कितना आपके अंदर धीरताई और वीरताई है। राम जी तो बेचारे फंस गए, क्यों? क्योंकि यहाँ अगर विलंब होता है तो गुरुदेव वहाँ प्रतीक्षा में बैठे, इंतजार में है कि कब राम भद्र पुष्प तुलसी लेके आएंगे तो ठाकुर सेवा होगी। राम जी कहते हैं, सेवा में प्रवीण बड़े माली मिथिलेश जू के, वैसे ही कहोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं कहोगे आप, क्योंकि जनक जी ने सिखा पढ़ा रखा है पहले से ही। वैसे ही कहोगे जैसे तुमको सिखायो है, भूमि की सुता है सिया, भूमि में विदित यश, दूजो चंद्र भूमि को विधाता ने बनायो है। सहज ही उठाए लियो शिव को पिनाक, जाहि तोड़ बे को जग को महीप दल छायो है। भाव भक्ति शील सदाचार कौन पावे पार, मिथिला निवासी नर नारी की जय हो, जय हो सुशील प्यारी प्रिया फुलवारी जू की, जनक और सुनैना की दुलारी की जय हो। बोले श्री जनकराज दुलारी जू की जय। आ मालीगण प्रसन्न हो गए, महाराज अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, हमारे सूखे हिये में अमृत सी मिठास घोल दी। जो अभी क्षण भर पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोल दे, जयकार नहीं बोलते, एक जयकार नहीं बोल रहे थे, और अब तो मानो जय जयकार की दुकान खोल दी। जनक जी की जय, श्री सुनैना मैया की जय, उनकी लाडली श्री जानकी जी की जय, सब मालीगण बड़े प्रसन्न हुए। तिन्ह निहाल किन रघुनंदन,
माली गणों को खुश किया है, लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालियों ने अनुमति दे दिया, लीजे सुमन भरी दो नाललन दो, लीजे सुमन भरी दो ना, लीजे सुमन भरी दो नाललन दो, लीजे सुमन भरी दो ना। बेली चमेली कली चंपा की, बेली चमेली कली चंपा की, जूही मनोहर जनक बगिया की, जूही मनोहर जनक बगिया की, गेंदा गुलाब गुल दोना ललन दो, लीजे सुमन भरी दो ना, लीजे सुमन भरी दो ना ललन दो, लीजे सुमन भरी दो ना। कैसी ये सुंदर मनोहर जोड़ी, कैसी ये सुंदर मनोहर जोड़ी, भोरी भारी सावर गोरी, भोरी भारी सावर गोरी, जैसे नीलम और सोना ललन दो, लीजे सुमन भरी दो ना, लीजे सुमन भरी दो ना ललन दो, लीजे सुमन भरी दो ना। निरखत बदन सकल दुख भागे, बदन सकल दुख भागे, अस जिय सोच बहुत डर लागे, अस जिय सोच बहुत डर लागे। किस बात का डर है? कोई लगा दे ना टोना ललन दो, लीजे सुमन भरी दो ना, लीजे सुमन भरी दो ना ललन दो, लीजे सुमन भरी दो ना। तेही अवसर सीता ताई, तेही अवसर सीता ताई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। इतने में महाराज देखिए सब अपने अपने अवसर का लाभ ले रहे हैं। समय जान गुरु आयस उपाय, गुरु जी जिस समय का अनुमान करके कि इसी समय में श्री जानकी जी का और रघुनंदन का मिलन होगा भेजे हैं। अब इसी समय श्री तुलसीदास जी महाराज कहते ते ही अवसर, उसी समय नारद जी ने भी श्री जानकी जी को बचपन में आगे की लीला वर्णन करते हुए कहा है, हे श्री किशोरी जी आपका प्रथम मिलन पुष्प वाटिका में होगा। तो आज मिलने वाली हैं श्री जानकी जी, अकेली आई हैं? नहीं, सखियों के साथ। तुलसीदास जी महाराज कहते संग सखी सब सुभग सयानी। महाराज इस प्रसंग में बहनों को सलाह देते कि कहीं भी जाना हो तो अकेले ना जाएं, खास करके
माताएं बहन अभी सब देख ही रहे हैं अभी क्या स्थिति है समाज का। वहां तो त्रेता में तो केवल एक रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि थे, यहां तो मोहल्ला मोहल्ला रावण कुंभकर्ण महाराज घूम रहा है। तो जाए भी तो साथ में किसी न किसी के, वो भी सुभग और वो भी सयानी समझदार हो, अकेले कहीं भी नहीं जाए। संग सखी सब सुभग सयानी, गावें गीत मनोहर बानी, आस पास अलियां अलबेली, बीच सिया सुकुमारी। बीच में श्री जानकी जी हैं और आस पास बड़े सयानी सुंदर भी हैं, सयानी भी हैं, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता भी हैं, सब श्री किशोरी जी को बीच में किए हुए आगे चल रही हैं। पूजन साज सजाए विविध विधि, श्री जानकी जी किस लिए आई हैं? बोले इसी पुष्प वाटिका के बीचों बीच श्री पार्वती मैया का मंदिर है, पार्वती मैया का मंदिर का दर्शन करने, पूजन करने। पूजन साज सजाए विविध विधि, कर कंचन की थारी, हाथ में स्वयं थाल लिए हुए पूजन का श्री जानकी जी चली हैं। धूप दीप नैवेद्य आरती, अक्षत पान सुपारी, और साथ में जो सखियां हैं सब सेवा में लगी हैं। कोई सखी सिर चवर डुलावत, कोई लिए जल झारी, मार्ग को साफ सुथरा किया जा रहा है, कंकड़ पत्थर ना हो। हमारे जानकी जी अति सुकुमारी हैं महाराज। निर्मल नीर, सर्वप्रथम क्या किया श्री जानकी जी ने? बोले निर्मल नीर नहाई सरोवर, पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद बोले गिरजा के मंदिर पधारी, या पूजन और पूजन के फल पर नारायण बलिहारी। श्री जानकी मैया स्नान आदि करके गिरजा मैया के मंदिर में पहुंची। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरने न जाए देख मन मोहा। पार्वती जी इधर, गुरु जी से आशीर्वाद इनको मिला, अब श्री जानकी जी को आशीर्वाद मिलेगा किनसे? श्री पार्वती मैया से। लेकिन देखिए पूजा का फल तभी मिलता है, तुलसीदास जी महाराज जी के शब्दों में सुने, पूजा किन, पूजा तो हम सब करते हैं लेकिन हम लोग बस अनमने भाव से नहीं कर पाते हैं। पूजा किन अधिक अनुराग, अनुराग पूर्वक पूजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज रोज एक ही काम, वही सुबह उठो नहाओ धो फिर हनुमान चालीसा पढ़ो सुंदरकांड पढ़ो, अबे रोज रोज और वो भी दिन भर में तीन बार की कौन कहे महाराज, चार बार भी हो जाता है कभी कभी। सुबह से शाम डालते रहो डालते रहो डालते रहो, कहे कबीर सुनो भाई साधो मौत से भूख बड़ी। तो शरीर की इतनी शुद्धि, शरीर का खुराक भोजन अन्न आदि है, और आत्मा का खुराक क्या है? बोले बिन पानी भोजन बिना, भोजन नहीं मिले समय पे पानी नहीं मिले महाराज। बोले बिन पानी भोजन बिना, ये उदर मचावे क्रांति, वैसे बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। जुआ खेलते समय किसी को नींद आई हो तो बोले महाराज, नोट गिनते समय किसी को नींद आई हो तो बोले महाराज, लेकिन वही जब सुंदरकांड पढ़ने बैठ जाओ महाराज, पद सुनाने बैठ जाओ, भजन करने बैठ जाओ, माला करने बैठ जाओ महाराज, तो निद्रा महारानी चरम सीमा पे रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा को शांति की, आत्मा को उसकी खुराक मिलती है। शरीर बेचैन रहता है जब तक कि भोजन पानी नहीं मिले, मिल जाता है तो शरीर को शांति मिल जाती है, लेकिन आत्मा को शांति, आत्मा की खुराक तो ये सत्संग है, कथा है, कीर्तन है, नाम है।
ठाकुर जी का तो स्मरण किस प्रकार होना चाहिए? आज पूज्य श्री भैया जी श्री भाई जी महाराज के कमरे में सुना रहे थे, जैसे प्यास लगती है तो जल का स्मरण करने का प्रयास हम नहीं करते हैं, स्वतः स्मरण होने लगता है, मुंह सूखने लगता है, गला सूखने लगता है, तो सोचते हैं कहीं से पानी मिल जाए। वैसे ही भगवान का स्मरण हमेशा ऐसा ही बन जाए कि अगर कदाचित पल दो पल सेकंड के लिए मन इधर उधर जाए तो तुरंत स्मरण हो जाए कि हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और तब तक जैसे जब तक आप पानी पी ना लें तब तक उसका स्मरण बना रहता है, वैसे ही तब तक भगवान का स्मरण बना रहे जब तक कि वो हमें प्राप्त ना हो जाए, उनकी कृपा ना प्राप्त हो जाए। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन पुलवाई। एक सखी को श्री किशोरी जी ने नियुक्त कर रखा है, वैसे ये सखी कोई और नहीं, ये स्वयं हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। आज भी चले जाएं, कभी मौका मिले तो मध्य प्रदेश में दंदरुआ जगह है, दंदरुआ में जो हनुमान जी हैं, और जगह के हनुमान जी लंगोटाधारी हैं, लेकिन वहाँ के हनुमान जी आज भी लहंगा चोली में ही रहते हैं महाराज। वहाँ का भाव है कि यही हनुमान जी हमारे पुष्प वाटिका में श्री किशोरी जी के सखी के रूप में श्री रामभद्र का जानकी जी से मिलन करवाने वाले हैं। वैसे दंदरुआ वाले हनुमान जी का एक नाम डॉक्टर हनुमान है। मंगलवार के दिन कम से कम 50,000 से ऊपर की भीड़ लगती है महाराज, चाहे टीबी हो, कैंसर हो, कितना भी असाध्य बीमारी क्यों ना हो, 5 परिक्रमा और 5 हनुमान चालीसा लोग सुनाते हैं और वहाँ से निरोग होकर के लौटते हैं, इसीलिए उन हनुमान जी का नाम ही है डॉक्टर हनुमान। ग्वालियर स्टेशन से लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है दंदरुआ। अब तो इंटरनेट की सुविधा हो गई है, सबसे ज्ञानी हमारे गूगल बाबा, पूछिए सब बताएंगे आपको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहीं कहीं इन सखी का नाम सुभगा भी है। एक सखी सिय संग बिहाई, क्योंकि सेवा दिया है किसने, श्री जानकी जी ने। जनक दुलारी सुकुमारी सिय लाडली ने, आज्ञा मोहि दीनी भली भांति ध्यान राखियो। क्योंकि नारद बाबा कह के गए कि इसी वाटिका में मिलना होगा आपका, तो एक बार जब भी आती हैं तो एक नज़र चारों तरफ, विधि व्यवस्था देखते हुए और उनको खोजती, किनको, श्री रघुनंदन सरकार को। देवर से नारद जू गए हैं भविष्य भाग बाग में प्रथम, प्रभु छवि रस चाखियो। पहला दर्शन आपको पुष्प वाटिका में होगा। तेई दो बंधु, अभी सखी ढूंढ ही रही थी इनकी आंखें, तब तक तेई दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पहीं आई। जब रघुनंदन को देखा तो कैधो त्रिलोक शोभा आज पूंजीभूत भई, जिनको समेट विधि युगल बनाए। ऐसा लगता है कि मानो सौंदर्य सिंधु सौंदर्य ही यहाँ स्वयं मूर्तिमान होकर के यहाँ प्रकट हुआ हो इस वाटिका में। अरे कैधो श्रृंगार छवि वार रिधि के युगल रत्न, ऐसा दिव्य स्वरूप को देख करके इतनी मोहित हो गई, अनुपम गोविंद कछु उपमा कहीं न पड़े। अब सूर्य भगवान सूर्य नारायण की उपमा किससे दी जाएगी, हजारों लालटेन जला के भी नहीं हो पाएगा। करोड़ों चंद्रमा को भी दीप्यमान करके और सूर्य नारायण की बराबरी किया जाए तो कर सकते हैं? नहीं महाराज, कोई उपमा ही नहीं समझ में आ रहा है सखी को। बरबस प्राण बस कीन्हे नयनन लुभाए, क्रीट कमनीय।
अब जब ठाकुर जी सोच ले कि अगले को मोहित कर लेना है, देखने को तो बहुतों ने देखा लेकिन देखने में भी अंतर है, सबको देखने भी नहीं आता महाराज। अब मिथिलावासी ऐसे देखते हैं मानो उनको नेत्रों से ही पी जाएंगे, क्या करें। बेचारी ये सखी आंखों से देख रही है और जो देख रहा है आंखें जो देख रही वो बोल नहीं सकती क्योंकि आंखों के पास जिह्वा नहीं है, मुंह के पास जिह्वा है तो जिह्वा देख नहीं रही। छोटा सा दृष्टांत सुन लीजिए। एक बालक जा रहा था एक बगीचे के निकट से, दूर से देखा कि फल बड़े पके हुए लगे हुए हैं वृक्ष में, एक मिल जाता, क्या करें। बोले चार दीवारी है, दीवार ऊंची है, छलांग लगा करके चोरी करना पड़ेगा, मांगने से तो मिलेगा नहीं, चोरी करना होगा। दीवार को पार करके गया, थोड़ी देर ठिठका, इधर उधर जब सेवक हो गए उसके पहरेदार वृक्ष के, तो वृक्ष पे चढ़ गया, फल तोड़ा खाया, नीचे उतरा पकड़ा गया, फल खाया सो खाया, मार भी खाया। अब मार कौन खाया, पीठ, मार खाया आंखें रो पड़ी, अश्रु निकल पड़ा। कहानी कहाँ से शुरू हुई, आंखों से। देखा किसने, आंखों ने। तोड़ा किसने, हाथ ने। मार कौन खाया, पीठ ने। रोया कौन, फिर आंख ने। तो ये मिथिलावासी हैं महाराज, नजरों से पी रहे हैं हमारे ठाकुर जी को। क्रीट कमनीय ऊपर कोटि कोटि चंद्र बार, भगवान की शोभा ऐसी है। कहते हीरक हजार हार कुंडल हलान झलकान पे नयन नुकीले। ये बाण तो बाद में घायल करेंगे, ये जो नुकीले नयन हैं ये तो बहुतों को घायल कर बैठे हैं महाराज। अब तक लोग इनके रूप सुधा का ध्यान कर करके इनके दीवाने बने जा रहे हैं। नयन नुकीलन पर नीरज मृग मीन बारो कोटि मनोज चाप ब्रिकुटी कमान पे। सखी कहती है वो जो जिसने किशोरी जी के कहने पे राम जी का दर्शन करने आई है, दर्शन तो कर ली लेकिन अब जा करके किशोरी जी को बताना भी तो है कि किसको देखा है, और जिसको देखा है उसके बारे में बताना होगा तो वो कैसे हैं, कैसे बोले। बोले सुषमाद्र के द्वैगिनी नीरज थे, मुख चंद्र तो चंद्र थे चौगुनो, छवि नासिका की रहते पांच गुने, मधुराधर बिंबते छौ गुनो, ठीक ठोड़ी रसालते आठ गुनी। रसाल मतलब आम, ठोड़ी महाराज जी कहते मलदाव लंगड़ा आम जो होता है ना, देखे होंगे उसका ठोड़ी थोड़ा सा नुकीला होता है, निकला हुआ होता है, वैसे हमारे रघुनंदन का ठोड़ी थोड़ा सा निकला हुआ है लंगड़ा आम की तरह। वह गौर तो गौर के जोग आए, पर श्यामते श्याम तो कामते सौ गुनो, ते दो बंधु बिलो के जाए प्रेम विवश सीता पा आए। जब प्रेम लगो और वास्तव में जिसने राम को निहार लिया, जिसने श्याम सुंदर को निहार लिया, जब प्रेम लग्यो परमेश्वर ते तब छूट गयो सिगरे घर बार, सब छूट जाता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। विरक्ति वेश या विरक्त ये होना नहीं पड़ता है, स्वतः हो जाता है व्यक्ति। लोग कहे हम तो विरक्त वेश ले लिए हैं, हम विरक्ति ले लिए हैं, विरक्ति कोई लेने की चीज नहीं होती है, विरक्त तो स्वतः हो, ये एक स्थिति का वर्णन है। जब प्रेम लग्यो परमेश्वर ते तब छूट गयो सिगरो घर बारा, जो उन्मत फिरे जित ही तित नेक रही न शरीर समारा।
जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं हमारे वृंदावन को तज करके, ये गोपियां महाराज ये तप की तरह मूर्तिमान मूर्ति हो गई हैं। कब आएंगे? जब तक आएंगे नहीं तब तक अब कहाँ अब घर लौटना, अब तो उनको ही उनको पाना ही है। श्वास रु श्वास उठे प्रतिरोम बहे दृघ नीर अखंडित धारा, ये प्रेम वैचित्य स्थिति है महाराज। कबहू का हंसी उठे नृत्य करे, जो भगवान के इस कृपा रूपी रस सिंधु में जब गोता लगा लेते हैं वो भक्त कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, लोग उन्हें पागल समझते हैं यहाँ तक। कबहू का हंसी उठ नृत्य करे, कबहू रोवन फिर लागे, कबहू को गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे, वाणी अवरुद्ध हो गई है बोल नहीं पा रही है। कबहू का हृदय उमंग बहुत ऊंचे सुर गावे, खूब ऊंचे स्वर में गा रही है। कबहू को हुए मुख मौन मौन हो जाती है, गगन जय सो रही जावे। पहुंची जैसे तैसे महाराज, गिरते पड़ते हंसते गाते रोते पहुंची कहाँ? श्री जानकी जी के पास। ये स्थिति कैसे होती है? बोले चित्त वित्त हरि सो लगे, सावधान कैसे रहे, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य कहे, भक्ति है शिष्य सुनो सुंदर कहे। श्री सुंदरदास जी महाराज कहते हैं यही तो भक्ति प्राप्ति का लक्षण है। कुछ दशा अनोखी उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। हम कैसे पहचाने, हम कैसे पहचाने कि हम जिनका दर्शन कर रहे हैं ये भगवान के प्रेमी हैं? बोले जब से दिलदार हुआ सांवरिया प्यारा, तब से छूटा घर का संबंध हमारा, हर बार हर जगह रुक कर यही पुकारा, हे किधर छिपा दिलवर घनश्याम हमारा। उसे और कुछ नहीं चाहिए, महल पंखा एसी कमरा 56 व्यंजन नहीं चाहिए, बस उसे तो केवल यही उन भक्त की यही इच्छा होती है कि कब हमें दर्शन हो जाए, कहाँ चले गए। भगवान कहीं गए नहीं है, रास पंचाध्याय में जो वर्णन है ठाकुर जी कहीं गए नहीं, ठाकुर जी वहीं हैं। लेकिन गोपियां ये सोच करके रुदन कर रही हैं कि अगर भगवान छोड़ करके चले गए हमारे श्याम सुंदर तो हमारी क्या स्थिति होगी, ये सोच करके ही वो बन बन फिर रही हैं, घूमे जा रही हैं, ढूंढ रही हैं कहाँ गए मेरे श्याम सुंदर, कहाँ गए हे श्याम सुंदर, कहाँ चले गए। मन वृक्षों को निज दुख सुख समझाते हैं जो मोहन के प्रेमी कहलाते हैं। उन्हें वृक्षों से भी पशु पक्षियों से भी सबसे पूछते हैं, यहाँ तक कि रघुनंदन ने भी पूछा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछा है ना वृक्षों से लिपट लिपट करके। ये प्रेम वैचित्य भक्ति है महाराज, नाचते कभी हंसते रोते गाते हैं जो मोहन के प्रेमी कहलाते हैं। कभी हंसते हैं कभी नाचते हैं कभी रोते हैं कभी गाते हैं। जब से रघुवीर प्रीतम हमारे हुए, ऐसा नहीं कि रिश्ता, बोले नाते रिश्ते जगत के सब किनारे हुए, सब किनारे हो जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है छूट जाता है। जो छोड़ता है वो पकड़ भी सकता है, लेकिन जिसका छूटता है उसका फिर पकड़ाना नहीं होता है, वो तो बस केवल परमात्मा को पकड़ता है। हम हुए उनके साथ सभी छोड़कर और वो हमारे दशरथ दुलारे हुए, जाही मनमोहन दृष्टि पड़ो। और उसमें भी हम भगवान की ओर देखे तब ये स्थिति हुई है, और जब कदाचित किसी भक्त के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ जाए तब बोले जाही मनमोहन दृष्टि पड़े सो तो भयो आंधरो सावन को। वो तो भाई आंख होते भी जगत के लिए अपने लिए वो तो अंधा हो जाता है, बस वो केवल परमात्मा को देखना पसंद करता है।
अब तो सूझत रंग हरे जाही, लगन लगी घन श्याम की, धरत कहूँ पग परत है कतो, सूरत नहीं छाया घाम की। उसे कब धूप है, कब छाया है, कब बरसात है, उसे इतना तक की भी सुध नहीं होती। नारायण बौरी भई बोले, अब रही न काहू काम की, किसकी कौन बोले जाही, लगन लगी घन श्याम की। फुलवारी में इधर रघुनंदन सरकार लखनलाल जी दोनों विचरण कर रहे हैं। एक सखी कह रही है आते हुए बावरी सखी को देखकर कि अरे तुझे क्या हो गया, अभी तो तू हंसते हुए गई थी, ठीक ठाक थी, घर से चली तब भी ठीक थी, हंसती गई का भयो सखी तो है, तू हारी सी हेरी हिरानी सी, क्या देख लिया तूने, कहूं देखी कोई भूत प्रेत अलाय बलाय देख लिया, क्या कर क्या देख लिया तुमने, किसी ने टोना कर दिया, हुआ क्या। मुख पे शुभ स्वेद लसे सजनी, जी ज्योति सी जो ही जकानी सी है, हरसानी सी है रससानी सी है, कहूं प्रेम के हाट बिकानी सी, क्या हो गया तेरे मन को, तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, लगे काठ की सी मूरत गढ़ी, ऐसा लगता है कोई मूर्ति है, रही घर से जब चली जैसे खिली कमल कली, जब घर से चली थी तो ठीक थी, जरा आंखें तो खोल, अरे क्या देख लिया, जरा आंखें तो खोल कछु मुखते तो बोल, हम भी समझे बलाए क्या मढ़ी, जब तक कोई आदमी अपना कष्ट बताएगा नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा, तीर तलवार लगा हो तो समझ में आए, दिखाई दे निशान पड़ा हो तो। तू कुछ बोल नहीं रही है तो हम कैसे समझेंगे। रावण युद्ध के मैदान से लौट करके आया अपने पर्यंक पर उदास होकर के बैठा, मंदोदरी ने पूछा क्या बात है, हार गए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि श्री रघुनंदन का चरण शरण ग्रहण कर लो, हार गए इसका मतलब, ला कौन कहता है कि मैं हार गया, तो क्या हो गया, किसी ने अपमान कर दिया या किसी का आपसे अपमान हो गया, क्या बात है। बोले राम स्वभाव के बाण लगे, कोई तीर तलवार लगा होता तो दिखाई पड़ता, लेकिन यहाँ तो स्वभाव का बाण लगा हुआ है, और वही हाल ये सखी का है, यहाँ तो ठाकुर जी के मंद मुस्कान का, तिरछी तकान का, भौहें कमान का बाण लगा हुआ है। हम भी समझे बलाए क्या मढ़ी, हम भी तो समझे तेरे सिर पे न चीर, क्या बात है बोलो, कुछ तो बोलो, जब तक तू बोलेगी नहीं तब तक हम कैसे समझेंगे, कभी हंस रही है कभी बड़बड़ा रही है और बोल भी रही है तो अपने से बोल रही है, हंसती गई उत बजर परियोरी, क्या क्या पड़ गया तेरे माथे पे, कौन सा पहाड़ पड़ गया है, उजक उजक की झांके जीजा की झकानी सी, कुछ तो बोलो, हेरत हेरानी के भई है पटरानी, आज बोलती ना बानी प्रेम पथ में बिकानी सी, किसने तुम्हारे मन को चित्त को चुरा लिया, नहीं बोल रही है, मान जा मैं बोल रही हूं, नहीं तो तुम्हें श्री किशोरी जी की सौगंध देनी पड़ेगी लगता है। भवन ते मौन चली ना अली, अब कारण कौन जो मौन भई हो, क्या बात है जो तू मौन हो गई है, अभी भी मैं तुम्हें सावधान कर रही हूं, बोलो नहीं तो तुम्हें किशोरी जी की सौगंध देनी दे दूंगी, तब भी बावरी बेचारी नहीं बोल पा रही, वो अपने बस में रहे तब तो बोले, बोले भवन ते मौन चली ना अली, अब कारण कौन जो मौन भई हो, और बोलती बहन को सहन बतावत, कह दो ठगी के ठगाई गई हो, पूछ कुछ रही हूं मैं, बता कुछ और रही है, अच्छा नहीं मानेगी तो बूझती संग सहेली सबे, तब हूं न कहे हट ठाने लही हो, इतना हट तो जाओ मैं तुम्हें सौगंध देती हूं, सौह तुम्हें सीए स्वामिनी की, हमारी श्री जानकी जी का तुम्हें सौगंध है, कहो आज गई कहां रीत नहीं हो, क्या बात है अब तो बताओ, अब जब बोलने लगी तो कह रही है क्या करूं, कुछ बोलने लायक स्थिति में छोड़ेंगे तब तो, बोले क्या देख लिया, क्या हो गया तुझे, बोले कुछ तो हुआ है,
कुछ कर दिया है हम पे। बोले किसने? बोले दीर्घ विशाल ने। कौन से दीर्घ विशाल ने? बोले मन को फंसा लिया है। भगवान का नाम, भगवान का लीला, ये सब महाराज अंकुश की तरह है, ये भक्तों के मन रूपी मीन को, मछली को फंसा लेता है। आज तो ठाकुर जी खूब कृपा किए हैं बावरी पे, और ऐसी कृपा किए हैं कि महाराज कि बोलना, हंसना, रोना अपने स्थिति तक को न समझ पाने वाली स्थिति हो गई है। कैसी अमोल बोल है। वैसे हमसे तो बात नहीं किए वो, हमने उनसे कोई बात नहीं किया, लेकिन वो दोनों भाई आपस में जो बात कर रहे थे, उनकी वाणी को जब से मैंने सुना है, अब सखी समझ नहीं पा रही है। दीर्घ विशाल ने, तिलक भाल ने, मंद मुस्कान ने, अरे किसने नाम बताओ? नाम होगा कोई? कोई तो होगा, नाम होगा, पुरुष है, नारी है, किसने देख लिया तुम्हें, अथवा तुमने किसे देख लिया? अच्छा ये बताओ, चल करके हमें दिखा दो तब। कहो सखी आज तेरे चित को चुराया किसने? दिखा दे मुझको, मुझको भी दिखा दे, तुझे बौरी बनाया किसने? हमें भी दिखाओगी या केवल अपने ही देखोगी? देख लो चल के अजी कह के सुनाना क्या है। इसमें क्या है? कहीं गए थोड़ी हैं, यहीं पे हैं। कहाँ हैं? बोले जो प्रकाशित है स्वयं, उसको दिखाना क्या है? कोई छुपे हुए थोड़ी है, वो तो अपने साथ प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश लिए डोल रहे हैं, श्री रामचंद्र। तो क्योंकि जानते हैं कि वो काले हैं, वो तो दिखेंगे है नहीं, इसीलिए प्रकाश लेकर के चल रहे हैं। जान पड़ेगी सखी, बावरी सखी कहती है तुम्हें भी, तुम्हारी भी यही दशा होगी, सिर्फ मेरी हुई है ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जान पड़ेगी तबे तुमको जब आप हो बावरी मोही सो हुई हो। चल करके देख लो। बोले भूलिए खान और पान सबे, सब कुछ भूल जाओगी। हंसती हो हमें तब तुम हो रोई हो। अभी जो तुम मेरे पे हंस रही हो ना, तुम भी रोओगी। चल करके देख लो, इसी फूल बगिया में, इसी बाग, इसी वाटिका में है, और अकेले नहीं है, दोनों हैं महाराज, दो दो आए हैं। ये फूल तोड़ने कम, शिकार करने ज्यादा आए हैं। फूल तोड़ने आते तो केवल दोना लेके आते, धनुष बाण लेकर के आने की क्या आवश्यकता थी? राम जी तो विवाह मंडप में भी महाराज धनुष बाण लेकर के चले। सांवरी सूरत देखत ही सखी, साच कहो सब एक नहीं, सब बावरी हुई हो। मुझे बावली कह रही हो ना, पागल कह रही हो ना, एक बार मिल लो, देख लो, तब फिर देखना, तुम भी मेरे समान बावरी होगी। सबसे बड़े टोना वाले कौन है? हमारे रघुनंदन है, उनको कोई क्या नजर लगाएगा, वही नजर लगा देते। बोले वो कैसे? बोले हम पे चलाए दियो टोना। किसने? बोले किशोर गौर सांवरो सलोना। अच्छा कहाँ देखा तुमने? बोले सांवरे गौर को जनकपुर में देखा। जनकपुर में? अरे नहीं जी, जनकपुर की कौन कहे, सांवरे गौर को फूल बगिया में देखा। क्या कर रहे थे? कोई जप तप साधना कर रहे थे, कोई मंत्र अनुष्ठान में बैठे थे? बोले ना, हाथन में लिए फूल दोना, हाथों में पुष्पों का दोना है, फूल और तुलसी से भरा पड़ा है। और सखी तब, अच्छा ये बताओ, वो तुम्हें देखे नहीं, तुम उन्हें देखी नहीं, देखी देखा देखी हुआ कब और कैसे हुआ? नजर कैसे लगाते हैं वो? तो हम भी सावधान हो जाएंगे, हम बचने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे लगा कि तुम्हें वो नजर लगा दिए? बोले सखी मिथिला की तो परंपरा है महाराज, अब तो घूंघट परंपरा लगभग समाप्त ही हो गया, अब तो घूंघट कोई करता ही नहीं। अब मिथिला में आज भी महाराज घूंघट प्रथा है। महाराज जी कहा करते कम से कम घूंघट ना भी करो तो सिंदूर किसी को ना दिखे, इतना तक तो जरूर मस्तक ढका होना चाहिए, सुहाग चीर काल तक बना रहता है।
लेकिन अब तो फैशन हो गया है महाराज, घर घर की बात है। हम आपकी कौन कहें, हम अपने घर की भी कह रहे हैं। इस पे कोई रोक टोक, कोई पाबंदी किसी का चलने वाला है नहीं। लोग इसको सोचते हैं कि हम एडवांस हो गए हैं। एक सखी कहती है तो मिथिला में तो घूंघट है, तो क्या तुमने घूंघट नहीं किया था? बोले किया था जी। तब बोले सांवरे को देख के घूंघट पटकी ना, हमने घूंघट तो किया था। तब फिर नजर कैसे लग गई तुम्हें? बोले नजर यूं लग गई, घूंघट तो था लेकिन तनिका खुला रहा कोना, थोड़ा सा घूंघट खुला रह गया था। और ऐसा नहीं है कि केवल घूंघट खुला रहा, हम देख लिए और नजर लग गई, नहीं। अब तब बोले टोना किया उन्होंने। कैसे टोना किया? बोले मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चितवे, वो हंस करके देखे। और जब हंस करके देखे अब तो फिर क्या हुआ? बोले अब होना क्या था, हो गया जो कुछ होना, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अब देख ही रही हो मेरी स्थिति, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। आज ये भी बंठन करके आए हैं महाराज, अभी तक की यात्रा में ये कुसुम कली लगा करके नहीं घूम रहे थे, लेकिन जब पुष्प वाटिका में आए तो खूब बढ़िया श्रृंगार करके आए हैं। और लखनलाल जी ने श्रृंगार किया है। सब हैं विपक्ष को पक्ष ना हमारो, मोर कहता है सब है विपक्ष को पक्ष ना हमारो, मोर पक्षवारो तू ही मोर पक्षवारो। गिरा अनैन नैन बिनु बारी, सखियां कहती हैं देखन बाग कुंवर दो आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। हे श्री जानकी जी, चलिए चल करके, बड़ा अनुपम अवसर प्राप्त हुआ है, चल करके आप भी चली आग्रह करी प्रिय सखी सोई। प्रीति अभी की तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि पुष्प वाटिका में प्रथम मिलन हुआ हो, ये तो दशरथ जी के यहाँ जन्म लेने के पहले, श्री जनक जी के यहाँ प्रकट होने के पहले भी ये दोनों हैं। आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, ये पहले भी हैं और अब भी हैं। ये तो लीला है इनकी। आगे वर्णन है, आए बने ठनी रूप माधुरी के धने, शीश कुसुम कली के गुच्छ मोर पंख धारे हैं, चली अग्र करे प्रिय सखी सोई। किशोरी जी और सब सखियों के साथ चली हैं। सुमरी सीय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत, नारद जी का वचन याद आया कि हा हा मेरे रघुनंदन का दर्शन इसी वाटिका में होगा। कंकण किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, देखिए चौपाई में कितना बढ़िया ठहराव है। कंक आप एक लगातार पढ़ नहीं सकते, कंकण किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, ठहराव इतना बढ़िया तुलसीदास जी ने दिया है। कहत लखन सी सन राम हृदय गुनी, अच्छा देखिए बड़ी विचित्र बात है, यहाँ राम जी लखनलाल जी को कह रहे हैं। कोई भी अपने छोटे भाई को कहेगा क्या? लेकिन लखनलाल जी को कह रहे हैं। भगवान अपने भाव को भक्त से नहीं छुपाते, जैसे भक्त अपने भाव को भगवान से नहीं छुपाते। छुपाना क्या भाई, लखन सुनो तो देखो, सुनो गुंजार है ये कैसी, कैसी गुंजार है? बोले ये द्वंद हृदय में द्वंद मच रहा है, ये द्वंद सी मचाती झनकार है ये कैसी। क्या सुनाई पड़ा है? बोले किशोरी जी के चरण कमल में बंधे हुए पायल के जो छोटे छोटे जो नुपुर हैं, उसकी ध्वनि सुनाई पड़ रही है रघुनंदन को। कह रहे लगता तो है मदन ने, लगता है कि कामदेव स्वयं, लगता तो है मदन ने निज धुंद भी बजाई, धुंद भी बजाई है। बोले क्या करने के लिए? बोले चाहे कि बस में कर लो,
सारे संसार को सृष्टि को वश में करने के लिए। लगता तो है मदन ने निज धुंद भी बजाई, चाहे कि वश में कर लो कर विश्व पे चढ़ाई। वैसे श्री किशोरी नखचंद्रिका नामक ग्रंथ में श्री किशोरी जी के चरण अंगूठे के नख के अग्र भाग के 108 भाव है, 108 भाव। और नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ गई है ठाकुर जी के कानों में, मानो संकेत मिल रहा है कि हम आ रही हैं। किशोरी जी अपनी ओर से संकेत दे रही हो कि इतना जल्दी में भी मत चले जाइएगा गुरु जी का, क्योंकि सेवा का बार बार ध्यान आ रहा है कि गुरु जी आतुर प्रतीक्षा करत हों। गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि चेला जी गए फूल तुलसी लाने, तो लगता है कि आज वृक्ष उगा करके फूल तुलसी लेके आएंगे। तोड़ के लाने में इतना विलंब कैसे हो सकता है। राम जी कह रहे हैं कि क्या बताऊं इस ध्वनि पे, तो इस साम गान परमन बलिहार हो न जाए। हे रघुनंद, हे लखनलाल, संभालो मुझे। बोले क्या संभालना है? बोले कल तक तो रहे विजयी, कहीं आज हार हो न जाए। कल तक तो हम विजयी रहे, सारे मिथिला वासियों को मोहित करते फिरे, कहीं आज हम हार न जाए। इसलिए लखनलाल जी को अपनी आपबीती सुना रहे हैं जो द्वंद हृदय में चल रहा है। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जेही कारण होई। कहते विदेह नगर में देह का वर्णन, और वो भी किसके सामने। ज्ञान है कौन? श्री रामभद्र। वैराग्य कौन है? श्री लखनलाल जी। और भक्ति कौन है? श्री जानकी जी। और ऐसे वैरागी को और राग सिखा रहे हैं महाराज, राग बता रहे हैं, रागी बना रहे हैं वैरागी को। लखनलाल जी वैरागी के स्वरूप हैं महाराज, और वैसे लखनलाल जी को आज रागी, वैरागी को रागी बना रहे हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब इधर सखियों ने देखा, सखियों ने देखा कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहा है ठाकुर जी को। और ऐसा नहीं महाराज, वर्णन है कि जिस दिन पुष्प वाटिका की लीला हुई है, रामभद्र लखनलाल जी मिले हैं, ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये पूर्णिमा है, शरद की पूर्णिमा है महाराज। रात्रि में महारास हुआ था और दिन में रास चल रहा है इनका। पूर्णिमा के दिन मिले हैं रघुनंदन सरकार श्री जानकी जी से। महाराज जी कहते एक ठग ने बनाई खिचड़ी, तब तक एक और ठग पहुंचा आए, असली ठग तो उसे सराहिए जो उस ठग की खिचड़ी खाए। अब तक सबको ठग रहे थे रघुनंदन, अब जब किशोरी जी को देखेंगे तो सबके सबको ठगने वाले यहाँ ठगे जाएंगे महाराज। दे किसी ये शोभा सुख पावा हृदय सराहत। अब कुछ बातें ऐसी है जो हृदय में जो उठ रही है, अब अनुज हैं, मित्र तो है नहीं, अनुज हैं, भाई हैं। अब भाई से जो बातें मित्र से कही जा सकती वो भाई से नहीं कही जा सकती। तो हृदय सराहत बचन न आवा, बचन तो निकलना चाह रहा है लेकिन बचन आ नहीं रहा है मुख के बाहर। हृदय सराहत सीए लोनाई, किशोरी जी की शोभा ऐसी है महाराज, सीए शोभा ही वरणी प्रभु। कहाँ वरण वर्णन कर रहे हैं, कहाँ? बोले अपने हृदय में, क्योंकि वाणी अवरुद्ध हो गई है। कहते हैं ना, अचानक कोई ऐसा कुछ घटना दिख जाए तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वैसे राम जी की स्थिति हो गई है, आवाज नहीं निकल रहा है। सीए शोभा ही मन में ही वर्णन कर रहे हैं, सीए शोभा ही वर्णी प्रभु। आपन दशा विचार, अपने दशा को देख रहे हैं, जो अभी क्षण भर पहले बावरी बनाए फिर रहे थे
सखियों को, वो अब स्वयं बावरी बावरी पने वाले स्थिति में आ गए। बोले सुचिमन अनुज सन बचन समय अनुहार। लखो भैया, भैया अब सीधे सीधे देख नहीं सकते, वो कह सकता है कोई भी भाई कि छोटे भाई को लेकर के चले नैन मटक्का करने, तो सीधे सीधे नहीं देख सकते। श्री आचार्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज इस भाव को भावित करते हुए कहते हैं, सीधे सीधे नहीं देख सकते तो क्या करें। बोले छोटे का बहाना करके, जैसे कल नगर दर्शन करने के लिए निकले तो लखनलाल जी का ओट करके, और वैसे ही आज किशोरी जी को देखने का मन तो इनको है, लखनलाल जी थोड़ी देखते, लखनलाल जी तो चरण से ऊपर कभी देखा ही नहीं, लेकिन अब बहाना, अब सीधे सीधे कैसे नैन मटक्का करें। और ऐसे थोड़ी है महाराज, ये तो सब जानते हैं कि राम जी और श्री जानकी जी का परस्पर अनादिकाल से संबंध रहा है। लखो भैया यही मिथिलेश की कन्याकुमारी है, इन्हीं के हेतु मिथिला में धनुष मख की तैयारी है। सखिन के संग आई बाग में, किस लिए आई हैं, कहीं राम जी मणिमंडर भी रहे, कहीं ऐसा ना सोचे मेरा भाई अनुज कि राम भैया इन्हीं को दिखाने के लिए लाए थे क्या हमें पुष्प वाटिका में, तो कह रहे ना ना ऐसा मत समझना। बोले क्या, क्यों नहीं समझे। बोले सखिन के संग आई बाग में, हमें देखने के लिए नहीं, बोले श्री गौरी पूजन को। ये तो संजोग ऐसा है कि हम लोगों का देखा देखी हो रहा है, तो देखा देखी करने के लिए नहीं आई हैं हम, पुष्प लेने के लिए आई हैं और वो गौरी पूजन के लिए आई। वह अति क्षुब्ध मन मत की गति हुई बाधित हमारी है, मुझे गौरव सदा रघुवंश की पावन मर्यादा का। हे लक्ष्मण, देखिए राम जी यहाँ अब भाव अपना खोल दिए। हे लक्ष्मण तुम ऐसा न समझना, कुछ उल्टी सीधी बातें न सोच लेना। बोले ऐसा कभी हुआ है कि लखनलाल जी, वो भी ठाकुर जी के प्रति, कभी कुछ आड़ी टेढ़ी बात सोच लेना। कहते रघुनंदन मुझे गौरव सदा रघुवंश के पावन मर्यादा का, जिन्होंने स्वप्न में भी नहीं हेरी पर नारी है। संकेत कर रहे हैं, हे लक्ष्मण मैं पर नारी को नहीं देख रहा हूं, ये अपनी वाली है उनको देख रहा हूं, सबको थोड़ी राम जी देखते हैं महाराज। हेरी नहीं, हेरी पर नारी है। करत बत कही अनुजसन, गोस्वामी जी कहते हैं बात नहीं कर रहे हैं रघुनंदन, बत कही कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए वो भी रामभद्र नहीं समझ पा रहे हैं कि छोटे भाई से कहाँ तक बात करे। आज सब खोल करके रख दिया हमारा। करत बत कही अनुज सन, क्यों, बोले मनसीय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। सबको चकोर बनाने वाले आज चंद्र स्वयं चकोर बन गए, दुनिया के लोचन चकोरन के चंद, और कहाँ, बोले फुलवरिया में हो गए चकोर। चितवत चकित चहू दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। कहाँ चले गए दोनों भैया। तब तक एक सखी कह रही है, हे श्री किशोरी जी सिया देखो लतन की ओट। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं मिथिला के इस पुष्प वाटिका प्रसंग के। राम जी ने लता का ओट क्यों किया, वृक्ष का ओट क्यों नहीं किया, मानो संकेत कर रहे हो। देखिए लता वृक्ष से लिपटी हुई रहती है, आप काटिएगा तो सबसे पहले लता कटेगी तब वृक्ष कटेगा। कहते हैं श्री जानकी जी ऐसा ही मेरा प्रेम है। अब मानो जानकी जी भी कह रही हो, हे प्रभु मेरा प्रेम भी लता की तरह है, आप वृक्ष हैं धर्म के मूर्तिमान और हम लता की तरह आपसे लिपटी हुई हैं, कोई भी आँच आएगा तो सबसे पहले जानकी पर आएगा तब आपके ऊपर आएगा। सिया देखो लतन की ओट कुंवरवे दोनों खड़े, देख रूप लो चन ललचाने, हर से जनु निधि
जनो निज निधि पहचाने, दोनों एक दूसरे को पहचान गए। पहचान थोड़ी करवाना है हमारा, ठाकुर जी एक दूसरे को देखे हैं, श्री राम भद्र श्री जानकी जी देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। सिया जो निरखे राम दिसि और श्री राम सिया की ओर, अब काको में चंदा कहूँ और काको कहूँ चकोर। दोनों एक दूसरे को दूसरे के रूप सुधा रस का पान कर रहे हैं। जासु विलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन लो शोभा, नखसी सिख देखि राम के शोभा, सुमिरि पिता पुन पनु मनु अति शोभा। क्या करें, क्योंकि आई हैं गौरी पूजन के लिए, राम जी को भी जाना है और श्री जानकी जी को भी जाना है। देख रूप लो चन ललचाने, हर से जनु निधि निज निधि पहचाने, थके नयन अखिया कह रही है देखने दो। पुतली कहती है कि अखिया को, पलकों को सामने से हट जा। श्री किशोरी जी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, बोले कि पलकें परिहर ही निमीक है। ब्रह्मा जी को कोस रही है कि ये पलक क्यों दे दिया, लोचन मग आँख के रास्ते से कथा सत्संग किस लिए, बोले कथा सत्संग के माध्यम से भगवान कान के रास्ते से हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में जो श्री विग्रह हैं उनका दर्शन करने से वो नेत्र के रास्ते हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो यहाँ भी श्री किशोरी जी ने तुरंत लोचन मग राम मय और आने, आँखों के मार्ग से राम जी को हृदय में विराजमान करके और तुरंत कहीं भाग ना जाए, तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। कैसे, बोले दीने पलक कपाट, दरवाजा बंद कर दिया। अब देखते हैं आप कैसे निकलते हो। दीने पलक कपाट से आने, धरी धीरज एक अली से आने, सीतासन बोली गए पाने। हे श्री किशोरी जी बहुरी गौरी का ध्यान करे हो। चलिए बहुत विलंब हुआ श्री पार्वती मैया का पूजन करने के लिए, नहीं तो श्री सुनैना मैया पूछेंगी कि भाई आज रोज तो समय का ध्यान रहता, इतने समय पर आ जाया करती, अब आज इतना विलंब क्यों। एक सखी कह रही है उधर अब देख लो प्यारी, इधर का ध्यान फिर करना, आप आंखें मूंदी हुई हो और सामने रघुनंदन खड़े हैं, तो फिर आंख मूंदने का क्या लाभ, जब सामने खड़े हैं तो उन्हें देखा जाए। तुम्हारे सामने ठाड़े जुगल चित चोर मन हरना, हे मोमति से दया विधि ने स्वयंवर का तुम्हें अवसर। मन ही मन कह रही हैं कि श्री किशोरी जी कि अरे सखी ठहर जा, मैं विधाता से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं ब्रह्मा जी को मना रही हूँ, मैं विष्णु भगवान को मना रही हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ को मना रही हूँ, मैं क्षत्रिय राजकुमारी हूँ, ये क्षत्रिय राजकुमार हैं और स्वयंवर का मुझे अधिकार है, मैं चुन सकती हूँ कि ये मेरे स्वामी बने। लेकिन ये बैरन पिनाक बीच में है, धनुष बीच में, तो मना रही हूँ कि ऐसा हो कि ये सांवले वाले तोड़ दे धनुष को। हे हरिजन वाक्य से साँचे, कभी दृढ़ता से नहीं टरना, सकुच सी तब नैन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने रामचंद्र नहीं किया, रघु सिंह कहा है। क्यों, के मानो सांत्वना देना चाहते हैं श्री रघुनंदन सरकार किशोरी जी को, कोमलता पर मत जाना आप, हम तो पुरुष सिन्न जागहूँ रघुनंदन, कहा है ना विश्वामित्र जी ने, पुरुष सिन्न जागहूँ रघुनंदन कौशल्या के प्यारे, हम तो सिन्न हैं, तो आप घबराएं नहीं, धनुष तो हम ही तोड़ेंगे। एक शंका सिया के हिया में उठी, क्या धनुष तोड़ देंगे ये कोमल कुंवर, किंतु थी सुन चुकी, क्या सुन चुकी है, बोले ताड़ का राक्षसी एक सर में पड़ी की पड़ी रह गई।
देख परवस सिया को सखी कह उठी, गोरी पूजन करो कल हम फिर आवेंगी। चलहु भवन हे लाडली आज भई अति देर, बाग लखन हित काल पुनी आवेंगी एही बेर। श्री पार्वती मैया का पूजन करने श्री किशोरी जी चली हैं सखियों के साथ, खसी माल मूरत मुस्कान। देखिए दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। श्री पार्वती मैया किसको आशीर्वाद दे रही है? जानकी जी को। और भोले बाबा किनको दे रहे हैं? बोले श्री राम जी को। कन्या कन्या पक्ष में और वर वर पक्ष में। बोले भक्तवत्सल भगवान की, खसी माल मूरत मुस्कानी। और एक और बात प्रसंग बस सुनाया जा रहा है, क्या आशीर्वाद दिया है श्री पार्वती मैया ने। मन जाहि राचो मिलहि सो वर, सो वर मिले। बोले कौन सा वर? सहज सुंदर सांवर, करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावर। अच्छा, घर में सब लोग जानते हैं मरद पति पत्नी आपस में एक दूसरे का एक अलग प्यार भरा नाम पुकारते हैं। न पति का नाम कोई लेता है न पत्नी का नाम लेता है। पति पत्नी गुरु ज्येष्ठ पुत्र जेठ फसुर का, इन पांचों का नाम नहीं लेना चाहिए। किशोरी जी किस नाम से पुकारती हैं राम जी को? करुणा निधान। ये नाम किसने दिया है? श्री पार्वती मैया ने दिया है। इसीलिए तो जब पहुंचे हनुमान जी ने तो जानकी जी के पास तो कहा है उन्होंने, सत्य शपथ करुणा निधान की। वहां शपथ भी खाया है तो करुणा निधान, ताकि जानकी जी समझ जाएं कि हम इनके अंतरंग सेवक। इसीलिए तो करुणा निधान सरकार के ऊपर श्री पार्वती मैया ने कृपा कर दी है। अब कल धनुष यज्ञ में भोले बाबा अपनी करुणा से करुणा निधान को कैसे किस प्रकार करुणा करते हैं कल हम सब सुनेंगे। आज इसी के साथ श्री पार्वती मैया से आशीर्वाद लेकर, खसी माल मूरत मुस्कानी आशीर्वाद लेकर के पार श्री जानकी मैया अपने महल, श्री रघुनंदन सरकार पुष्प तुलसी आदि लेकर के गुरुदेव की सेवा में, और हम सब भी ठाकुर जी की सेवा में अपने अपने घर के अब उपस्थित होवे। आज कथा यहीं विराम लेती है, कल धनुष यज्ञ की कथा हम सब बड़े विस्तार से सुनेंगे। किस प्रकार शिव धनु धर रहे, धनुष टूटता कैसे, क्योंकि धनुष को तो शिव जी ने ही पकड़ रखा है, शिव धनु धर रहे, इसकी व्याख्या कल हम सब श्रवण करेंगे। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण महोत्सव की, श्री पाठोत्सव महोत्सव की, आज के आनंद की, अपना राम जी के आरती उतारूं हे सखी, अपना राम जी की आरती उतारूं हे सखी।
लक्ष्मण सावन राम गोर बबुआ लक्ष्मण गोर बबुआ लक्ष्मण गोर बबुआ शत्रुघ्न गोर बबुआ लक्ष्मण गोर बबुआ शत्रुघ्न सावर भर उतारों है सखी अपना राम जी की आरती उतारों है सखी कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के शत्रुघ्न सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के शत्रुघ्न मैया के कई के भरत भरत बुआल सखी अपना राम जी के आरती उतारों है सखी अपना राम जी के आरती उतारों सखी कंचन थार कपूर की बाती कंचन थार कपूर की बाती जगमग जगमग ज्योति जले दिन राती जगमग जगमग ज्योति करे दिन राती आहे चरण में पवन कुमार हे सखी आए चरण सुमार के निहारू हे सखी राम जी के आरती उतारों हे सखी अपना राम जी के आरती उतारों सखी अपना राम जी के आरती उतारों हे सखी अपना राम जी के आरती उतारों हे सखी श्री भगवान नाम संकीर्तन की आज के आनंद की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर पुष्पांजलि कल आप सब सायंकालीन 5 बजे पुनः आमंत्रित हैं जय सीताराम जंत देवागान धर्मान प्रथमान्या सन्ना देहनाक महिमान इंद्रियत्र पूर्वे साजा संति देवाः तुलाब जय पुण्या गजाति करवील रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी गिरीभिस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पुष्पाणि यथात् कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त इन्द्रियाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।